अपने देश के लिए प्रमुख खाद्य फसलों में गेहूं और धान का खास स्थान है। इसमें गेहूं की उपज लगातार बढ़ रही है। ये वृद्धि गेहूं की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक विधियों को अपनाने से हो रही है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। इसकी खेती पर काफी रिसर्च हो रही है। उन्नत किस्मों के लिए खेती की नई विधियां निकाली जा रही हैं। इसीलिए आप इन सब से अपडेट रहेंगे और इन्हें अपनाएंगे तो जाहिर है आपको बम्पर उपज मिलेगी। सामान्य तौर पर गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। असिंचित किस्मों को 25 अक्टूबर तक बोना चाहिए। अर्ध सिंचित अवस्था में जहां पानी सिर्फ 2 से 3 सिंचाई उपलब्ध हो वहां बोने का उपयुक्त समय 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। सिंचित दशा में गेहूं बोने का उपयुक्त समय 15 नवंबर से 30 नवंबर तक है। देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई 15 दिसंबर तक हो जानी चाहिए। अधिक देरी से बोई गई गेहूं की फसल पकने से पहले ही सूखी और गर्म हवा का सामना करना पड़ सकता है जिससे दाने सिकुड़ जाते हैं और उपज कम मिलती है। तो इसके लिए किसान भाइयों, जो हमारे पास प्रजातियां जो इस समय निकाली गई हैं, जो हमारे क्षेत्र है और उसके लिए जो है उसमें HD 2967, HD 4713, HD 8551, HD 2894, HD 2867, DBW 17, PBW 550, PBW 502 आदि प्रमुख हैं। इसकी बुआई का उचित समय 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच कर दिया जाए। गेहूं की अच्छी उपज के लिए 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर हिसाब से देना चाहिए। अगर ये देर से दिसंबर में बोया जाता है तो बीज की मात्रा बढ़ाकर 120 किलो प्रति हेक्टेयर कर देनी चाहिए। वो सिंचित अवस्था में देरी से बुआई, जो सिंचित अवस्था में जिनके खेत हैं और उसको देर से अगर बोना है, वो जो है हमारा नवंबर के द्वितीय पक्ष से 25 दिसंबर तक इसकी बुआई हम कर सकते हैं। इसमें हम जो है जो प्रजातियां हैं वो HD 2985, WR 544, RAJ 3765, PBW 373, DBW 16, WH 1021, PBW 590, UP 2425 आज प्रमुख प्रजातियां हैं। खरीफ फसल की कटाई के बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, फिर 2 से 3 हल्की जुताइयां करनी चाहिए। अगर खेत में नमी की कमी हो तो बुआई के 8 से 10 दिन पहले सिंचाई यानी पलेवा करनी चाहिए। अधिक पैदावार के लिए खेत में 10 से 12 टन प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद या कंपोस्ट फैलाकर जुताई के समय बुआई से पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। गेहूं में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की 2/3 या आधी मात्रा बुआई के समय और 1/3 या आधी मात्रा पहली सिंचाई के समय कतारों के बीच में डालनी चाहिए। 150-60-40 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हम जो है अपनी गेहूं की फसल में देंगे। रेतीली भूमि में नाइट्रोजन 3 बार डालनी चाहिए। अगर धान के बाद गेहूं बोया जा रहा है, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा सॉइल टेस्ट के आधार पर देनी चाहिए। अगर जांच नहीं हो पाती है तो फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से दें। गेहूं की फसल को मिट्टी और बीज जनित कर्नाट, बंट, लूज, स्मट रोगों से बचाने के लिए बीज को उचित दवा से उपचारित करें। इसके अलावा फसल को दीमक से बचाने के लिए 5 मिली क्लोरोपाइरिफॉस दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। कोई भी बीज अगर हम उसका बोते हैं तो उसका बीज शोधन बहुत जरूरी है। तो गेहूं में बीज शोधन हमको करने के लिए हम थीरम या कैप्टान का जो है 2 ग्राम मात्रा 1 kg सीड में उसको मिला करके और उसको छाया में सुखा करके बीज को शोधित कर लेना चाहिए। गेहूं का बीज समुचित नमी वाली भूमि में 5 सेंटीमीटर की गहराई पर डालना चाहिए। अधिक गहराई में बीज नहीं बोना चाहिए। जहां तक संभव हो गेहूं की बुआई फर्टी सीड ड्रिल से करनी चाहिए जिससे बीज की उचित दूरी मेंटेन होती है और उर्वरक की सही मात्रा सही जगह पर गिरती है। किसान हमारे बोते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, उसकी जो है
100 से 120 केजी तक किसान भाई इसकी प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करते हैं, लेकिन आजकल हमारे गेहूं में सीड ड्रिल मशीन द्वारा अगर हम करते हैं तो सीड ड्रिल मशीन में वो ओनली 90 से 100 केजी ही बीज लगता है। यूं तो गेहूं में मजदूरों से निराई गुड़ाई करवाकर काफी हद तक खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है, लेकिन आजकल अधिक मजदूरी या मजदूर न मिलने के कारण दिक्कत होती है, इसीलिए खरपतवार नाशक दवाइयों से इन्हें नष्ट किया जा सकता है। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2 से 4 D 0.5 किलो सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर को 400 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कना चाहिए। किसान भाई शुरू में नहीं डाल पाए हैं, चूँकि इसमें चौड़ी और सकरी पत्ती के दोनों तरह के खरपतवार आते हैं, तो इसके लिए जो है हमारी पोस्ट इमरजेंस बुआई के 25 से 30 या 35 दिन बाद तक भी हमारे जो है खरपतवार नाशी बाज़ार में उपलब्ध हैं। उसमें जो हमारे है वो सल्फोसल्फ्यूरान को जो है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल के साथ मिला करके इसको हम अगर डाल देंगे तो उससे हमारे खेत में जो भी चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार हैं उससे निजात मिल जाएगी। इस तरह आप गेहूं की खेती में कुछ तकनीकी पहलू अपनाकर बेहतर उपज पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।